10 अगस्त को दिल्ली के तुगलकाबाद में इस तानाशाही सरकार ने हमारा 600 साल पुराना जो गुरुघर हुआ करता था, गुरु रविदास जी का जो गुरुघर हुआ करता था, उसको तोड़ करके जो इन्होंने जघन्य अपराध किया, बहुजनों की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ किया, उसको लेकर के दूसरा जो उद्देश्य है, दूसरा उद्देश्य है उसके लिए 21 तारीख को उस गुरुघर को यथास्थान पर बनवाने के लिए जो आंदोलन किया गया था, जिसमें संपूर्ण भारत से लाखों की तादाद में लोग आए हुए थे, उस आंदोलन में इस मनुवादी शासन प्रशासन, इस जो तानाशाही सरकार, जो भाजपा सरकार है केंद्र में, इस भाजपा सरकार ने हमारे निर्दोष निहत्ते बिल्कुल पढ़े लिखे नौजवानों पर संगीन धाराओं में मुकदमे लगाने का जो काम किया है, इन उद्देश्यों को लेकर के आज हम आप लोगों के समक्ष आए हैं। साथियों, आप लोगों को पता होगा कि दिल्ली में 10 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इस मनुवादी सरकार ने जो 650 साल पुराना गुरुघर हुआ करता था वहाँ पे, उसको तोड़ने का जघन्य अपराध किया। साथियों, वो जो अपराध था वो महज वो मंदिर, वो जो गुरुघर था, उसको ढाणे तक ही सीमित नहीं था। ये सरकार चाहती है कि हमारी जो विचारधारा है, जो गुरु रविदास जी की सत्ता मूलक समाज बनाने की विचारधारा थी, जो उनने कहा था, उनकी वाणियों से प्रतीत होता है कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन कुन और छोट बड़े सब सम बसे रैदास रहे प्रसन्न, जो उनकी वाणियों से प्रतीत होता है कि वो समानता को, समानता के पक्षधर रहे हैं, उस विचारधारा को खत्म करने की कोशिश है। ये महज मंदिर नहीं खत्म किया गया, ये महज गुरुघर नहीं खत्म किया गया, ये हमारी विचारधारा पे आघात है, ये विचारधारा को हमारी खत्म करना चाहते हैं। और इसी तरीके से ये लोग जो हैं, छोटे छोटे एजेंडे, छोटी छोटी घटनाएं हमारे समाज में करा रहे हैं। साथियों, 21 तारीख में इस मंदिर को यथास्थान पर बनवाने के लिए पूरे देश भर से आंदोलन किया गया, जिसमें दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में लोग एकजुट हुए और मंदिर को वहीं पे बनवाने के लिए सरकार को अल्टीमेट, सरकार को चेतावनी देने के लिए इकट्ठा हुए। परंतु इस मनुवादी सरकार ने हमारे जो निर्दोष लोग थे, जो उस आंदोलन को, आंदोलन में भाग लेने के लिए आए थे, आंदोलन में भाग लेकर के जा रहे थे, उनको किसी को स्टेशन पे से उठाया, किसी को बस स्टैंड से उठाया, किसी को रहा रोड पे से उठाया, किसी को दुकानों में से उठाया और उन पर संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए। साथियों, लगभग 96 लोग आज इस मनुवादी शासन प्रशासन की गंदी मानसिकता के तहत दिल्ली की दो जेलों में, एक रोहिणी जेल और एक तिहाड़ जेल में बंद हैं। साथियों, बेहद दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये सरकारें जो है ना, ये सरकारें एक्शन करती है और हमारे समाज के लोग उन पर रिएक्शन कर रहे हैं। साथियों, जो हमारा मूल एजेंडा हुआ करता था, जो मूल तत्व है, जो मूल जड़ है, उससे हम लोग भटक चुके हैं। मैं समाज से भी कहना चाहता हूँ, समाज से मेरी एक अपील है कि ये तानाशाही सरकार है, ये हर महीने एक नया एजेंडा खड़ा कर देती है, एक नया एक्शन कर देती है, जिस पे हमारे लोग तुरंत रिएक्शन करते हैं। और उस रिएक्शन का प्रभाव क्या होता है कि हमारे ही लोगों पे ये मनुवादी सरकारें, मनुवादी प्रशासन मुकदमे दर्ज करता है, उनके अंदर अपने चुनिंदा लोग भेज करके हिंसा फैलाने का काम करता है, उसके बाद ये मौका देख करके हमारे बच्चों पर, हमारे लोगों पर संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज करके उनको जेल भेजने का काम कर रहा है। इस प्रकार की घटनाएं मैं देखता आ रहा हूं साथियों 2016 से, रोहित उर्मिला कांड हैदराबाद में हुआ, तब से घटनाएं चरम सीमा पे हैं। ये सरकार 17 जनवरी को रोहित उर्मिला कांड हुआ, उसमें लाखों पूरे देश में एक चिंगारी फैली और जहां जहां प्रोटेस्ट हुआ, यहां यहां इन लोगों ने अपने अपने मनुवादी लोग घुसा करके
आरएसएस और बजरंग दल के लोग घुसा करके हमारे प्रोटेस्टों में उस प्रोटेस्ट को खत्म करने का काम किया, भंग करने का काम किया और उनमें हिंसा फैलाई ताकि ये लोग कभी खड़े ही ना हो सके। इस तरीके का उन्होंने काम किया। उसके बाद 11 जुलाई 2016 को गुजरात के सोमनाथ जिले के ऊना कस्बे में हमारे चार दलित भाइयों को महज इसलिए पीट पीट करके अस्पताल पहुंचाया क्योंकि वो लोग क्या करते थे भाई, वो लोग मरे हुई गाय का चमड़ा निकाल करके अपने बच्चों का भरण पोषण करते थे। अब बताइए, मरी हुई गाय का चमड़ा निकाल करके साथियों उन लोगों को इतना पीटा गया। ये जो आरएसएस के और ये बजरंग दल के लोग, ये जो गोरक्षक दल के लोग बने फिर रहे हैं, इन लोगों ने इतना पीटा उन निहत्ते लोगों को, गाड़ियों से गाड़ियों के पीछे बांध बांध करके, वीडियो तक वायरल हुई है सोशल मीडिया पे कि वो अस्पताल पहुंच गए। साथियों उसके तुरंत बाद 5 मई सब्बीरपुर जिला सहारनपुर में एक बहुत ही जघन्य घटना कराई गई। लगभग दलितों के 51 घर आग के हवाले कर दिए गए जिनमें माता बहनों के साथ हमारे बहुत जघन्य अपराध किया गया, जुल्म जातिया किया गई। साथ ही इस प्रकार की घटनाएं ये जो है सरकारें निरंतर कराती आ रही है। 2016 से हम लोग देख रहे हैं। 10 अगस्त को ये दिल्ली का तुगलकाबाद मंदिर में जो तुगलकाबाद में स्थित जो गुरु घर हुआ करता था हमारा 650 साल पुराना, उसको तोड़ने का काम किया। उसके बाद परसों तरसों की घटना है, 10 तारीख की घटना है सहारनपुर में एक बाबा साहेब की प्रतिमा हुआ करती है गुन्ना गांव में एक बाबा साहेब की प्रतिमा हुआ करती थी, उसको तोड़ने का इस मनवादी प्रशासन ने काम किया, तोड़वाने का काम किया। और उसमें वहाँ पे हमारे लोगों को जैसे उसके लिए सामने आए तो हमारे लोगों के बीच में इन्होंने मनवादी शासन प्रशासन के लोगों मिल करके उनमें अपने लोग घुसा करके और वहाँ पे दंगा भड़का दिया। दंगा भड़काने के बाद हमारे लोगों पे 104 लोगों पे नामजद रिपोर्ट दर्ज करी और लगभग 650 लोगों पे अज्ञात मुकदमा दर्ज किया। आज वो गांव खाली हो चुके हैं। साथ ही इस तरीके से ये जो मनवादी सरकारें हैं, ये जो तानाशाही सरकार है, जो हिंदूवादी सरकार है, ये हमारे लोगों के बीच में एक एजेंडा फेंकती है और तुरंत हमारे लोग उस पर रिएक्शन करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं। उसके बाद होता क्या है, जैसे ही हम लोग सड़कों पर उतरते हैं ये हिंदूवादी लोग, ये संविधान का उल्लंघन करने वाले लोग जो संविधान को नहीं मानते हैं, उस प्रकार के लोग हमारे प्रोटेस्टों में आते हैं, उसमें घुस करके हमारे बीच में हिंसा फैलाने का काम करते हैं। और हिंसा जैसे होती है पुलिस प्रशासन घात लगाए बैठा रहता है, वो देखता है कि कब इन लोगों के अंदर हिंसा हो, कब यहाँ पे लाठीचार्ज करें और कब इनके बच्चों पे, इनके पढ़े लिखे नौजवान युवकों पे जो इस समाज का, इस देश का भविष्य होते हैं, उन पे संगीन धाराओं मुकदमे लगा करके इस समाज को बैठाने का काम करें, इस समाज की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम करें। साथियों आज के समय में यही चल रहा है, ये जो मैंने घटनाएं सुनाई हैं, जो घटनाएं दिखाई हैं, इनके पीछे यही हुआ और यही चल रहा है। हम इन चीज़ों में घुस करके अपनी जो मूल चीज़ें हुआ करती थी, शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन कहाँ हैं? हम लोग सिर्फ और सिर्फ इन छोटी छोटी चीज़ों में उलझ कर रह गए, हम उन चीज़ों तक पहुँच ही नहीं पाए। साथियों ये सरकारें चाहती हैं कि आप लोगों को इन छोटी छोटी चीज़ों में उलझा करके रखा जाए और जो मूल तत्व हैं उस तक आपको पहुंचने ही ना दिया जाए। अभी नवयुवकों के लिए, ये जो नवयुवक हैं समाज के, इन लोगों को पता ही ना लगे कि इनके समाज में बेरोजगारी कितनी फैल रही है, इसलिए उन लोगों ने क्या किया कि रिलायंस के जो कंपनी है रिलायंस की, उसका महीने में 1.5 GB नेट करा दिया। और भैया लोग जो क्या कर रहे हैं, अभी जो नवयुवक हैं वो इन चीज़ों की ओर ध्यान नहीं दे रहे, वो पूरा का पूरा दिन अपना जो है 1.5 GB नेट में खपाने का काम कर रहे हैं, पूरा दिन उनका इसी में निकल जाता है। उनको पता नहीं देश दुनिया में क्या चल रहा है, किस तरीके से जो सरकारें हैं आप लोगों को ख़त्म करने का काम कर रही हैं। साथियों जो 96 लोग आज हमारे जेल में हैं, उन लोगों को बाहर निकालने के लिए और अपनी ये जो गुरुदास जी का जो गुरु घर हुआ करता था इसको यथास्थान पर बनवाने के लिए हम लोग भीम आर्मी भारत एकता मिशन की ओर से और हमारी समस्त टीम की ओर से एक मुहिम चला रहे हैं। मुहिम क्या है साथियों, हम लोग राष्ट्रपति महोदय जी से अपील करते हैं एक पोस्ट कार्ड के माध्यम से। हम लोग
एक पोस्ट कार्ड जो महज डाकखाने से 50 पैसे का आ जाता है उस पे राष्ट्रपति महोदय को अपनी दो अपीलें दे रहे हैं। पहली अपील हमारी ये है कि 10 अगस्त 2019 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार दिल्ली के तुगलकाबाद स्थित 600 वर्ष प्राचीन गुरु रविदास जी के गुरुद्वारे को असंवैधानिक तरीके से तोड़कर जो करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है वह बेहद निंदनीय है, बेहद गलत है। अतः आपसे नम्र निवेदन किया जाता है कि गुरुद्वारे को यथास्थान पर बनवाकर करोड़ों लोगों की आस्था के साथ, भावनाओं के साथ न्याय किया जाए। दूसरा, 21 अगस्त को संपूर्ण भारत से आए दिल्ली में शांतिप्रिय आंदोलनकारियों पर पुलिस प्रशासन द्वारा फर्जी मुकदमे लगाकर उन्हें जेल में जो ठूसा गया है उन पे से वो मुकदमे वापस लिए जाए और उनको तत्काल रिहा किया जाए। इस प्रकार की एक अपील हम लोग इस पोस्ट कार्ड पर, जो कि महज 50 पैसे का आपको डाकखाने से मिल जाता है, इस पर लिख करके हम लोग राष्ट्रपति महोदय को भेजने की मुहिम बना रहे हैं। साथियों, आज आप लोगों के समक्ष आने का जो उद्देश्य था ये भी था कि आप लोगों के माध्यम से ये जो मुहिम है ये पूरे देश में चलनी चाहिए और करोड़ों की संख्या में ये पोस्ट कार्ड राष्ट्रपति महोदय के पास जाने चाहिए ताकि राष्ट्रपति महोदय इस संदर्भ में संज्ञान ले, वो देखे राष्ट्रपति महोदय एक दलित है, वो देखे आखिरकार किन दलितों पर यह शोषण हो क्यों रहा है, क्या कारण है कि ये इतने पोस्ट कार्ड मेरे पास आ रहे हैं। साथियों, जब ये पोस्ट कार्ड राष्ट्रपति महोदय के पास जाएंगे तो राष्ट्रपति महोदय इसमें संज्ञान लेंगे और देखेंगे कि आखिरकार चल क्या रहा है देश। तो वो जो भाई हमारे आज जेलों में है वो आपके 50 पैसे की बदौलत बाहर आ सकते हैं। वो जो माएँ अपने बच्चों से मिल नहीं पा रही हैं, वो माएँ अपने बच्चों से मिल लेंगी। जो बच्चे अपने बाप से नहीं मिल पा रहे हैं वो बच्चे अपने बाप से मिल सकते हैं। वो मंदिर, वो गुरु घर वहीं पे बन सकता है। तो साथियों, आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि ये मुहिम चलाएं और इसको जब आप खरीद के लेके आए इस पर राष्ट्रपति महोदय का यहाँ पे पता लिखें क्या कि सेवा में महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली 11004, जो कि पिन कोड है, ये उनका पता है। यहाँ इधर की साइड में आप अपना नाम और पता लिखें। अगर आपके घर में 4 मेंबर हैं तो चारों से आप लोग अलग अलग नाम पे डलवाएं ताकि 4 एक घर से जितने भी कैंडिडेट हैं वो 4 के 4 राष्ट्रपति महोदय को पहुंच सके। ठीक है साथियों, इस तरीके से आप लोग एक मुहिम चला सकते हैं और इस मुहिम में मैं गारंटी देता हूं, ना तो आपके बच्चे जेल में जाएंगे, ना ही आप लोगों पे किसी प्रकार का कोई मुकदमा लगेगा, ना ही ये ज़्यादा कॉस्टली है और ना ही ज़्यादा आप लोगों का समय लग रहा है। साथियों, बहुत ही अच्छी मुहिम है और आप लोगों से गुजारिश है कि इस मुहिम के चलते हुए ये बच्चे जो आज जेलों में हैं वो बाहर आ सकते हैं, ये मंदिर यथास्थान पर बन सकता है। मुझे विश्वास है आप लोगों से कि आप लोग इस मुहिम को चलाने में हमारी हर प्रयास करेंगे। ठीक है साथियों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।